नमस्कार दोस्तों, चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। कर्नाटका की 14 लोकसभा सीटों पर 7 मई को चुनाव है। 14 सीटों पर पहले ही 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। कर्नाटका भाजपा के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेट है। नॉर्थ में अपने पैर जमाने के बाद भाजपा के मिशन साउथ का द्वार कर्नाटका से ही होके गुजरता है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने यहाँ से 28 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन हालात 2019 जैसे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। बीजेपी पूरे देश में विरोधी लहर का सामना कर रही है। कर्नाटका में भी हालात और भी खराब दिख रहे हैं। ना सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी बल्कि अपने सहयोगी पार्टियों के कुकर्मों का भार भी भाजपा को उठाना पड़ रहा है। मोदी जी के बयान और बेलगाम होते जा रहे हैं, उनकी डेस्परेशन झलक रही है। मंगलसूत्र छीन के दे देंगे, लव जिहाद, संपत्ति छीन लेंगे। कांग्रेस अपनी तरफ से मुद्दों पर टिकी हुई है। इसी बीच में एक और पार्टी है, जनता दल सेक्युलर, JDS। भाजपा की अलायंस पार्टनर पार्टी के प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल के सामने आने से भाजपा की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बड़ बोले प्रधानमंत्री जी से इस मुद्दे पर कुछ बोलते भी नहीं बन पा रहा है। इस सेक्स स्कैंडल से कोई राजनीतिक असर होगा कि नहीं, ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि तीसरे फेस में JDS मैदान में है ही नहीं। लेकिन बीजेपी पे इस पर कितना असर पड़ेगा, ये अभी देखना बाकी है। तीसरे फेस के इलेक्शन में मध्य और उत्तर कर्नाटका के क्षेत्र शामिल हैं। आइए जरा नजर डालें इस फेस में क्या मुद्दे मुख्य हैं। हैदराबाद कर्नाटका और मुंबई कर्नाटका, ये तेलंगाना और महाराष्ट्र से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, और इन क्षेत्रों के मुद्दे बाकी के कर्नाटका से काफ़ी अलग हैं। ये एरिया ऐतिहासिक रूप से काफ़ी अंडर डेवलप्ड रहे हैं, लगातार बढ़ते कृषि संकट और सूखे से जूझ रहे हैं। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी और भारी संख्या में पलायन भी यहाँ देखा जाता है। इस चुनाव में लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं और पार्टियों के लिए क्या मुद्दे हैं, इन पे ज़रा नज़र डालते हैं। edina.com ने प्री पोल सर्वे किया 42,000 लोगों के बीच में। इस सर्वे में पाया गया कि लोगों के लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। 85% लोगों ने महंगाई को इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बताया। इनमें 43% लोगों को लगता है कि महंगाई बीजेपी की वजह से है, और 23% लोगों को लगता है कि कांग्रेस की वजह से महंगाई है। लीडर्स के बारे में बात करें तो सिद्धरमैया 44% लोगों की पसंद हैं और मोदी 40% लोगों की। 50-55% लोगों ने कहा है कि वो कांग्रेस सरकार द्वारा दी हुई गारंटियों पर वोट करेंगे। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। इलेक्शन रैलियों में पीएम मोदी और बीजेपी लीडर लव जिहाद, मंगलसूत्र, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जैसी बातें उछालकर कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले हुबली में एक कॉलेज स्टूडेंट नेहा हीरेमठ की उसके क्लासमेट द्वारा मर्डर कर दिया जाता है। इसे बीजेपी लव जिहाद और जस्टिस फॉर नेहा करके खूब उछाल रही है। आरोपी का अरेस्ट होने के बाद और कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसे CID जांच का भी आदेश दे दिया है, इसके बावजूद भी बीजेपी ने पूरे हुबली धारवाड़ में जस्टिस फॉर नेहा के बैनर लगाए हुए हैं। अमित शाह से लेके JP नड्डा नेहा के पिता से मिलने गए। मोदी जी ने भाषणों में कहा कि कांग्रेस लव जिहाद जैसे मुद्दों को वोट बैंक के लिए कवर कर रही है। नेहा के पिता को यहाँ तक बोलना पड़ा कि मेरी बेटी की हत्या को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। edina के सर्वे में ये भी पाया गया है कि 76% लोग सोचते हैं कि नेहा प्रकरण एक दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट है और लव जिहाद का केस नहीं है, जैसा कि बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही है। आपको याद दिला दें कि जब संसद में बीजेपी से पूछा गया तो इसी बीजेपी ने संसद में कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अच्छी पोजीशन में है अपनी वेलफेयर स्कीम्स और कांग्रेस की गारंटीज की वजह से, और सिद्धरमैया की पॉपुलैरिटी भी इसमें शामिल है। सर्वे में ये भी पाया गया है कि महिलाएं कांग्रेस को ज़्यादा पसंद कर रही हैं, करीब 13% ज़्यादा महिलाएं। प्रज्वल रेवन्ना प्रकरण, लव जिहाद, लोगों के मुद्दे, कांग्रेस की गारंटी, 7 मई को पता चलेगा इनमें से कौन से मुद्दे इस चुनाव का निर्णय करेंगे। इसी तरह की खबरों और चर्चाओं को सुनने और समझने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए edina.com।
ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ.com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.